राज्य आपको ऐसी व्यवस्था सरकार का दिखा रहा हूँ, ऐसी सिस्टम दिखा रहा हूँ कि जो कि आप देख करके भौचक रह जाएंगे। एक सड़क है जो दो एनएच को, एक एनएच अंतर्राष्ट्रीय एनएच है और दूसरा एनएच जो है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। छपरा का ये रोड है, बनियापुर प्रखंड है और दाढ़ी बाड़ी से लेकर भकुरा तक रोड की दशा ऐसी हो गई है कि मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा, थोड़ा दिखाइए आप, ये पूरे रोड की स्थिति है, ये देखिए पूरा कीचड़। इधर आइए, कैमरामैन के बोलूंगा आप इधर आइए, देखिए यहाँ की स्थिति जो है किस तरह से गाड़ी चल रही है। ये गाड़ी की स्थिति है, यहाँ के लोग जो है गाड़ी से गिर जाते हैं। भाई साहब एक मिनट, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? भकुरा से आप चले हैं? क्या परेशानी हुआ बताइए आप, हम आपको न्यूज में दिखाएंगे। बहुत परेशानी हुआ। रोड कैसा है, गड्ढा कम है कि ज्यादा है? तो देखिए यहाँ की स्थिति, ये जो है ठीक है, आप देखिए यहाँ की स्थिति क्या बना हुआ है। ये बाइक वाले भाई साहब एक मिनट, क्या परेशानी है इस रोड में बताइए आप। परेशानी यही कि जाना रहता है, पाँच मिनट में जाते हैं एक घंटा में। अच्छा, आपको यहाँ गिरने का भी डर है? गिरने का डर नहीं है, छोटा रोड है। अच्छा, गाड़ी जा रहा है, इधर से गाड़ी जा रहा है, सुविधा रहेगा तब ना ये जाइएगा। सुविधा नहीं रहेगा तो कैसे ये जाइएगा? अभी तक कोई गिरा है कि नहीं गिरा है? कितना आदमी गिरा हुआ है? अच्छा, भाई लोग जो लोग है ना, लोकल लोग है, ये लोग तो पूछिए। आपका घर कहाँ है? मेरा घर सिहोरे पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो सिहोरिया के पास में ही है, पड़ोसी है, इस गाँव के पड़ोसी है। तो देखिए मैं नीतीश कुमार जी को दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ नजदीक में आइए। ये जो है स्थिति है, ये स्थिति है रोड की, ये रोड की स्थिति है। और ये जो है 11 किलोमीटर है, ये 11 किलोमीटर दो एनएच को जोड़ने वाला रोड आज दयनीय स्थिति में आ गया है। ना कोई विधायक सुनने को तैयार है और ना कोई सांसद सुनने को तैयार है। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि इस रोड को बनवा दिया जाए। अभी बरसात बाकी है, अभी बरसात जो है शुरू होगा तो यहाँ पर गंगा जी की नदी जो है और दोनों बगल 11 किलोमीटर में कम से कम 20 गांव है। रोगी जो है, डिलीवरी केस है, बच्चे हैं, ये सब जो है इनको ज़्यादा परेशानी है। भाई साहब देखिए बताइए आप, क्या स्थिति है इस रोड की? बहुत खराब है। अच्छा, तो आप लोगों क्या परेशानी है? परेशानी हम लोगों को तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, इधर देख के बहुत पब्लिक आ रहा है तो हम ही लोग को बोलता है कि तुम लोग क्या मुखिया नहीं है, विधायक नहीं है, ये नहीं है। बताइए, ये बता रहे हैं लोग, एक मिनट आप आइए इधर आइए। हाँ भाई साहब, आप बताइए क्या स्थिति है इस रोड की? ये रोड भोकड़ा भिटी से लेके दाढ़ी बाड़ी तक 14 किलोमीटर है। ये रोड का स्थिति बहुत दयनीय है, आदमी चल रहा है, गिर जा रहा है, गड्ढा गुड्डी सब एकदम दयनीय स्थिति। अच्छा, है सरकार ना इस पर ध्यान दे रहा है, ना यहाँ का विधायक ध्यान दे रहा है। कितना दिन हो गया टूटे हुए? ये लमसम इसको एक साल से ज्यादा हो गया टूटे हुए। अच्छा, तो इसमें तो अभी तक तो आदमी गिरा है कि नहीं? कोई गिरा है? गिर गया है, बहुत आदमी गिरा है, किसी का हाथ में टूटा है। ये रोड के बगल के रहने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि जब कोई गिरता है, हाथ पैर टूटता है, बराबर ये होते रहता है, तो हम लोग बैंडेज पट्टी करके उनको हॉस्पिटल भिजवाते हैं, उनके घर फोन करते हैं। देखिए यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद महोदय, इन्हीं लोगों के वोट से आज जो है एसी में बैठे हुए हैं। यहाँ के विधायक और सांसद को मैं बता रहा हूँ, चूंकि उन्हीं का फर्ज बनता है, लेकिन वोट लेने के बाद इनको कोई मतलब नहीं है, ये जाकर के पटना में बैठ जाएंगे। आज जो है 14 किलोमीटर ये रोड है ना भाई जी, 14 किलोमीटर तक भकुरा से लेकर के दाढ़ी बाड़ी तक बता रहे हैं। ये रोड जो है बिल्कुल टूट गया है, पैदल चलने लायक ये रोड नहीं बचा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं, ये रोड का दशा जो है कब से खराब है? साल भर से खराब है। साल दो साल एक बार ईटा भरा है, दो साल से खराब, ईटा खाली भर के भागा, उसको हम यही वैटी में भिट्टी में ठेकेदार को गाली दी है। ठेकेदार कहाँ का था?
बसतपुर का है। अच्छा, वो कुछ नहीं सुन रहा है? कुछ नहीं, उसको गाड़ी जब दी है हम लेबरों से पूछे जी क्या होता हो, क्या भरा हम क्वेश्चन तो कैमरा मैन से मैं बताऊंगा। देखिए ये परिवार लेकर के आ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, दिखाइए इनको कैसे चल रहा है गाड़ी, कैसे गाड़ी चल रहा है। इधर दिखाइए, ये गाड़ी आ रही है, दिखाइए नीचे की तरफ, दिखाइए क्या स्थिति है रोड की। तो ये स्थिति है हमारे बिहार के नीतीश बाबू के सुशासन की सरकार का। देखिए इनकी स्थिति, इनके पैर का स्थिति देखिए, इसी गड्ढा में ये गिर करके अपना पैर तोड़ लिए। आप लाइए थोड़ा नजदीक में लाइए इनका, ये पैर कहाँ टूटा आपका? इसी रोड में टूटा है, पिछले ही साल टूटा है। अभी तक हम लोग सीएम के पास ट्यूटर किए, डीएम के पास ट्यूटर किए, अपने माननीय विधायक जी केदार सिंह के पास ट्यूटर किए, अभी तक वोट लिए उसके बाद चले गए। उसके बाद हम लोग माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्वाल के पास भी ट्यूटर हम लोग किए कि देखिए 5 साल से हम लोग के पूरा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बना दीजिए। इसी में पिछले साल मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। कितना किलोमीटर खराब है? कम से कम 12 किलोमीटर है, 12 या 14 किलोमीटर है जो रोड बिल्कुल डैमेज हो गया। और दारी बारी तक इतना जंजर हो गया है, जाने में पूरा हम लोग का बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहन कुमार राय, ग्राम रामधना,